नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में ठंड को लेकर। राजधानी पटना समेत प्रदेश के लगभग जिलों में ठंड का कहर जारी है। सोमवार की सुबह से ही कोहरा और गलन वाली ठंड सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सोमवार से ही प्रदेश में गलन वाली ठंड की शुरुआत हो गई। सोमवार को मौसम साफ रहने के बाद भी पछुआ हवा के चलते कनकनी खूब बढ़ी। दिन में धूप निकली लेकिन उसका असर किसी तरह से नहीं देखने को मिला। पछुआ हवा के चलते से लोग ठंड से सिहूरते रहे। हवा चलने की वजह से लोग बाहर निकलने से भी परहेज किए। मौसम के साफ होने से न्यूनतम तापमान में कमी हो रही है। मौसम केंद्र पटना की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क बने रहने का संभावना है। अलग अलग शहरों के रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इससे ठंड में भी बढ़ोतरी की बात कही गई है। बता दें कि पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। औसतन न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान गोपालगंज में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सबसे अधिक तापमान गया में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं आने वाले 4 दिनों तक मौसम का कैसा रहेगा मिजाज। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 18 जनवरी से 21 जनवरी तक 18 से 20 डिग्री तक अधिकतम तापमान होगा, तो वही न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 18 जनवरी से 21 जनवरी तक अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में 8 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में 18 जनवरी से 21 जनवरी तक 20 से 22 डिग्री तक अधिकतम तापमान, और वहीं जो है अगर हम बात कर लें न्यूनतम तापमान की तो वो जो है 8 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले जिसमें कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में 18 से 21 जनवरी तक 18 से 20 डिग्री तक अधिकतम तापमान होगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 6 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में 18 जनवरी से 21 जनवरी तक अधिकतम तापमान जो है वो 20 से 22 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है औसतन 6 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के तहत आने वाले जिलों में 18 जनवरी से 21 जनवरी तक अधिकतम औसतन तापमान जो है 20 से 22 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 8 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 18-19 जनवरी को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में शीत दिवस भी घोषित हो सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उस दिन जो है ठंड होगी। प्रदेश के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में पिछले कई दिनों से गलन के साथ ठंड पड़ रही है। हिमालयी क्षेत्र से बर्फबारी के प्रभावित पछुआ उत्तरी हवा इन इलाकों में तेजी से चल रही है। इससे जो है आड़ कपाने वाली ठंड जो है बिहार में दस्तक दे दी है और अब जो है बिहार को लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।